संघर्ष कभी भी जाया नहीं गया है, संघर्ष कभी भी अर्थ नहीं जाता, ये भारत का इतिहास बताता है। चाहे वो आजादी की लड़ाई रही हो, चाहे कोई भी अधिकार प्राप्ति है तो संघर्ष किया गया हो, संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। संघर्ष का परिणाम एक ही निकलता है, वो होता है उद्देश्य की प्राप्ति। इसलिए हमें तब तक संघर्ष करना है जब तक हमारे उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। गोविंदगढ़ में किसानों ने रुकवाया रेलवे का कार्य, जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी न देने का है मामला। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा सीधी सिगरौली रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत गोविंदगढ़ और ओढ़की के बीच चल रहे काम को किसानों ने बंद करा दिया है। नौकरी की मांग को लेकर किसान गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में धरने पर बैठे हैं। काम बंद हो जाने से रीवा से गोविंदगढ़ के बीच तय समय में ट्रेन का परिचालन अब मुश्किल लग रहा है। आपको बता दें कि रेलवे ने किसानों द्वारा काम बंद कराए जाने की सूचना मुख्यालय और कलेक्टर को दे दी है। बताया गया है कि फरवरी माह के अंत तक रीवा और गोविंदगढ़ के बीच ट्रेन चलाए जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसके बाद किसानों के आंदोलन की वजह से अब ये मुश्किल ही लग रहा है। इसके लिए रीवा से गोविंदगढ़ के बीच रेल लाइन के अलावा गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में जो काम शेष है उसे पूरा कराया जा रहा है, लेकिन रेलवे में नौकरी ना मिलने से आक्रोशित किसानों ने धरना देकर काम बंद करा दिया है। वहीं रेलवे से जुड़े सूत्रों की मानी जाए तो गोविंदगढ़ और ओढ़की के बीच जहाँ जहाँ काम चल रहा है किसान वहाँ पहुँचकर काम बंद करा रहे हैं। किसानों की नाराजगी और उनके द्वारा किए जा रहे धरने को देखते हुए माना जा रहा है कि सीआरएस का दौरा आगे खिसक सकता है। गौरतलब है कि पूर्व में भू अधिग्रहण के बदले किसानों के परिजनों को नौकरी दी गई, लेकिन बाद में एक नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद जमीन के बदले किसानों की परिजनों को नौकरी नहीं दी जा रही है, जिस पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बताया गया है कि इस मामले में फिलहाल प्रशासन का रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि कलेक्टर ने अभी हाल में मांग पत्र लेकर मिलने पहुंचे किसानों को इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों से चर्चा करने का आश्वासन दिया था। आपको बता दें कि रीवा गोविंदगढ़ के रेलवे ट्रैक के बीच गिट्टी की पैकिंग का पहले चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे और तीसरे चरण का काम अभी भी बचा हुआ है। इसके अलावा गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में सिग्नल का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, रेलवे लाइन में भी काम अभी शेष है। बताया गया है कि गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के साइड स्लोप में रेलिंग लगाई जानी बाकी है। इसमें काफी हिस्से में रेलिंग का काम हो चुका है, ड्रेन और सीएसटी वर्क भी पूरा नहीं हो पाया है। रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है कि जनवरी माह के अंत तक बचे हुए सारे काम पूरे हो जाएं, जिससे सीआरएस का दौरा माह के अंत तक किया जा सके। लेकिन किसानों द्वारा काम बंद कराए जाने के बाद रीवा से गोविंदगढ़ के बीच फरवरी के अंत तक ट्रेन चलाने की संभावना कम ही नजर आ रही है। वहीं इस बारे में किसानों का कहना है कि जब तक रेलवे विभाग के द्वारा जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं उनको नौकरी नहीं दी जाती है, तब तक रेलवे का काम नहीं करने दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। रेलवे तेरी ताना साही।